तो हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों कह रहा है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है। एक पार्क है, देखो एक पार्क है, ये पार्क है और इस पे ना तार बार लगी हुई है, ठीक है। इस पे फेंसिंग हो रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक गेट है, तो यहाँ पे तार बार नहीं हो रखी है। 3 मीटर का गेट है ये, यहाँ पे तार बार नहीं है, बाकी हर जगह पे तार बार है। और ये एक पूरा एक ट्राइंगल का साइज दे रखे है, 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। तो बोल रहा है कि इसने क्या किया, प्लांट किया, इसका एरिया निकालना है इस पूरे ट्राइंगल का। देखो एरिया में आराम से निकल सकता हूँ। एरिया क्या होता है बच्चे, इसके अंदर वाला पार्ट। तो देखो इसके अंदर वाला पार्ट क्या होगा, मेरा पूरा एरिया। तो मैं एरिया निकाल देता हूँ हेलन फॉर्मूले से। तीनों साइड मुझे गिवन है और मैं इसको निकालता हूँ। सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, पेरीमीटर की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं एरिया एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एरिया निकालने के लिए मेरे पे साइड गिवन है। ए है मेरे पे 50 मीटर, बी है मेरे पे 80 मीटर है, और सी है मेरे पे 120 मीटर। लेट्स सपोज, है ना, ए बी, मैंने साइड ले ली, ए दिस इज बी एंड दिस इज सी। अच्छा जी, ठीक है जी। अब मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो एस होगा मेरा 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन 2। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 और ये 250 अपॉन 2। ये कटेगा तो सेमी पेरीमीटर एस आ जाएगा मेरा 225 125 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर हो गया मेरा 125। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखो अब मैं इसको, ये ऐसा आया मेरा 125, मैं यहाँ पर एस लिख लेता हूँ। तो जो मैं एस आया मेरा वो है 125 मीटर, ठीक है जी। अब मैं निकालता हूँ क्या आपका एरिया, है ना। तो ध्यान से देखो, तो मैं अब निकाल लेता हूँ। तो मेरा एस है 125 इंटू 125, में से 125 में से मैं अब माइनस करता हूँ। देखिए 125 में से अब मैं करता हूँ 50 को माइनस। तो 125 में से मैं 50 माइनस करूँगा तो बच्चों आएगा 75। फिर 125 में से मैं 80 को माइनस करता हूँ तो बच्चों आएगा मेरे पे 45। फिर मैं 125 में से 20 को माइनस करूँगा तो बच्चों आ जाएगा मेरे पे कितना, 5। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है पहले वीडियोस में भी, फिर भी हम इसको दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी बड़ा दिया हुआ हो तो आप उसको बड़े बड़े में तोड़ें, ठीक है। उसके फैक्टर्स निकालो बड़े में। तो 125 का फैक्टर मैं निकाल लेता हूँ यहीं पर। तो देखो 5 2 जै 10, 5 5 जै 25, और फिर मैं 25 1 जै 25। तो देखो मैंने 25 का निकाल लिया, फैक्टर्स कितना है 5 एंड 25। मैं बड़ा बड़ा निकाल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। आप 75 का निकालता हूँ। तो देखो 75 का निकालेंगे, 5 1 जै 5 6 7 और 5 5 जै 25। फिर मैं यहाँ पर करता हूँ 5 5 3 जै और फिर 3 1 जै। तो 5 5 जै देखो बच्चों 25। तो 25 इंटू 3 ये आ गया मेरा। अब मैं 45 का निकालता हूँ। तो देखो 45 का निकाल लेता हूँ बच्चों। 45 का होगा 5 9 जै और 3 3 जै और 3 1 जै। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे लास्ट में बचा 5, और ये तो 5 तो 5 ही रहेगा, है ना। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको निकालता हूँ। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 25, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3, मैं लिख सकता हूँ। और 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5, और 5 तो बचा हुआ है ही, तो 5। अब देखो मैं इसको, जो जो कॉमन है, जो जो पेयर्स बन रहे हैं, मैं उसको बाहर लेता हूँ। देखो 25 आ गया, मैं 25 को बाहर ले लिया, और देखो क्या क्या बाहर आ रहे हैं। ये 3 आ गया, इसको भी मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। ये 5 भी बन रहा है, इसको भी काट के मैं यहाँ पे 5 बाहर ले लेता हूँ। और देखो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ 5 और 3। तो 5 और 3 बच रहा है। तो देखो बच्चों मेरे पे आ जाएगा 15 अंदर रह गया, और ये इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बच्चों आ जाएगा 375, है ना। तो बच्चों देखो ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया।
और ये होगा मेरा सेंटीमीटर, मीटर में था ना, हाँ, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये मेरा क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। तो देखो ये कितना इजी था, और अब मैंने आपको ट्रिक में बताया है ना अंडर रूट 15 को कैसे करना है, तो अंडर रूट 15 को मैंने ट्रिक में बताया, तो आपको जरूर, आपने वो वीडियो देखी होगी ट्रिक वाली कि 15 अंडर को मैंने कैसे किया था, कोई भी अंडर रूट में मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो एरिया मेरा इजीली आ चुका है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर। अब मैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैं वहाँ से अब वहाँ पे आता हूँ और अब इसका पेरीमीटर निकाल देता हूँ। पेरीमीटर का पेरीमीटर निकालूंगा, फिर उसके पेरीमीटर के पैसे भी निकाल दूंगा कि कितने पैसों में मेरे को वो लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए, हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे अब क्या निकालना है इसमें, इसमें बोला हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंजिंग। फेंजिंग मतलब तार बार के पैसे निकालने हैं मुझे। पहले तो तार बार के पैसे निकालने से पहले मुझे तार बार पता होना चाहिए ना कि कितनी तार बार लगी है मेरी। लेट लेट सपोज फेंजिंग अगर मेरे को निकालनी है कि कितनी बार मैंने लगा रखी है, या तार बार जिसे बोलते हैं अपने खेतों में लगाते हैं जो लोग, ठीक है, तो वो पहले मुझे पैसे तो मेरे को दे रखे हैं, पर पहले मुझे उसको निकालना है कि एक्चुअल में वो है कितने मीटर, है ना। तो ध्यान से देखिए ये पूरा कितना है, देखो पूरा ये कितना है 120 है, बीसी कितना है मेरा 120, और बीसी में देखो 3 मीटर में तार बार नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो बीसी कितना था मेरा 120 मीटर, और बीसी में ना 3 मीटर कम है, तो बीसी में मैं 120 में से मैं 3 मीटर कम कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा ये 117 मीटर। तो ये 117 मीटर हो गया ना, तो देखो 117 मीटर हो गया, क्योंकि 3 मीटर तो था ही नहीं, तार तो यहाँ पर 3 मीटर की थी नहीं, यहाँ पर तो गेट था ना, तो इसलिए मैंने देखो ये बी और बी सी से कितने मीटर होगा, 117 है, और ए बी में कितना है बच्चों, ए बी में है 50 और ए सी में कितना है 80। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ बच्चों, तो जब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो बच्चों ये आ जाएगा, देखो 117 प्लस 80 प्लस 50 विच इज 247 मीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मीटर की कॉस्ट ना 20 रुपये है, कि 1 मीटर तार ना मुझको 20 रुपये में, 20 रुपये में मिलती है ना। तो पैसे निकालने, तो 1 मीटर तार अगर 20 रुपये में मिलती है, 1 मीटर की कॉस्ट अगर बोल रहा है 20 रुपये है, ठीक है, तो इतने मीटर की कितनी होगी, इतना इंटू 20, तो बच्चों कितने रुपये आ जाएंगे,